हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, जिसमें हमने जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व किया। आज की क्लास में हम जो भी अपने बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि एक बॉडी है जो स्टार्ट करती है एक इनिशियल वेलोसिटी से जो है 10 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसमें हमें फाइंड करना है डिस्टेंस जो उसने 5 सेकेंड में कवर की, ठीक है? तो बच्चों, इसमें जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी जो u है वो कितना है? वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है? जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना है? वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जो हमारा टाइम है वो कितना है? वो है बच्चों 5 सेकेंड का। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कितना है, जो हमको पता करना है s, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता करना हो तो हम अपना सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या है, जो है हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है बच्चों? तो हम अपने जो भी नंबर्स हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो s जो है वो हमको पता करना है, और u की जगह हम पुट करेंगे 10, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ जो हमारा है 5 सेकेंड का। फिर इसमें प्लस कर देंगे 1/2 को, और हमारा फिर एक्सीलरेशन कितना है 5, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5। और हमारा टाइम कितना है? हमारा टाइम है 5 सेकेंड का, तो इसका हमें क्या कर देना है? स्क्वायर, ठीक है बच्चों? ये हमने अपने नंबर्स को पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये हम कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है? फिर इसमें हम प्लस कर देंगे 1/2। फिर बच्चों, अगर इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर 5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 125। तो यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा? 125, ओके? अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 6 12, और ये हो जाएगा हमारा 62.5, ठीक है बच्चों? ये हो जाएगा 62.5, और उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपना 50, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी बच्चों, इसमें 50 में प्लस कर देंगे 62.5, तो ये हो जाएगा 112.5 मीटर, ठीक है बच्चों? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस जो हमने ट्रैवल किया है 5 सेकेंड में, जिसमें हमारा एक्सीलरेशन लगा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जिसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक बुलेट है जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी से जो है 20 मीटर पर सेकेंड का, और एक टारगेट को स्ट्राइक कर रही है और रेस्ट पोजीशन पे आ रही है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो हमें कैलकुलेट करना है रिटार्डेशन को। तो बच्चों, जो हमारी इसमें इनिशियल वेलोसिटी u है
वो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0, क्योंकि जो लास्ट में जो हमारी बुलेट है वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 0। और इसमें जो हमारा डिस्टेंस कवर किया है यानी एस जो है वो कितना है, वो है हमारा 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन, तो ये हमको पता लगाना है। तो बच्चों इससे पहले क्या था, जब भी हमें एक्सीलरेशन पता करना था हम करते थे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों कहीं पे भी हमको टाइम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन का जो थर्ड इक्वेशन है जो है हमारा वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इस इक्वेशन को पुट करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर के, और इसमें हम प्लस कर देंगे टू ए यस, ठीक है बच्चों। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा वी कितना है 0, तो उसका स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 0। फिर यू स्क्वायर क्या है बच्चों, यू है हमारा 20, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 400। इसमें बच्चों हम प्लस कर देंगे 2, ए क्या करना, ए हमको फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए, फिर इसका इनटू कर देंगे एस से। तो बच्चों जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जिसको हमें क्या करना होगा, पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पे एस की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.1, ठीक है बच्चों। तो अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 = 400, और ये बच्चों प्लस हो जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 0.1 का, तो ये जो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 0.2, और ये इनटू हो जाएगा बच्चों एक्सीलरेशन ए, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हम अपने एक्सीलरेशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए इजकल टू ये जो 400 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा -400। और बच्चों जो ये है 0.2 जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 यहाँ, ठीक है। फिर इस पॉइंट को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ ऊपर हम एक 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा हट जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये बच्चों 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -2000, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन जो कि क्या है, माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमें निगेटिव एक्सीलरेशन लगाना था, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक ट्रेन है जो 2 घंटे का समय ले रही है टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए, एंड देन 3 घंटे का समय ले रही है टू रिटर्न फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन ए, ठीक है बच्चों। मतलब कि ए से बी जाने में उसको 2 घंटे का समय लगा, और फिर बी से ए पर रिटर्न होने के लिए उसे 3 घंटे का समय लगा, और जो हमारा डिस्टेंस है स्टेशन के बीच का वो है 200 किलोमीटर का, और हमें फाइंड करना है
एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों जब भी हमें फाइंड करना हो एवरेज स्पीड को, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाएगा 200 किलोमीटर जाने का और 200 किलोमीटर वापस रिटर्न करने का। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर का, और इसको डिवाइड करना होगा हमें टोटल टाइम से। तो टाइम हमारा क्या है, टाइम है हमारा 2 घंटे जाने का और 3 घंटे वापस आने का। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 80 किलोमीटर पर आर। तो जो हमारी एक एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आर। अब हमें जानना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। तो बच्चों हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जो हमारी ट्रेन है वो ए से बी जाती है और फिर बी से वापस ए आ जाती है। तो इसने एक डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, जीरो। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न उसी पॉइंट पे आ जाता है तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों एक ही है, पॉइंट ए। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, और जो टोटल टाइम है वो हो जाएगा हमारा 5 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा जीरो। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है वो क्या आ जाएगी, जीरो। क्योंकि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों एक ही है, जो है स्टेशन ए। इसलिए हमारा क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जिस कारण से हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक बॉय है जो एक हाइट 490 मीटर से एक स्टोन को ड्रॉप करता है और 1 सेकेंड के बाद ही थ्रोस अ सेकेंड स्टोन आफ्टर द फर्स्ट। और जो हमारे दोनों स्टोन हैं वो सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करते हैं, तो हमें पता करना है कि उसने जो सेकेंड स्टोन है उसको किस स्पीड से थ्रो किया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टोन है उसे हमने ड्रॉप किया और सेकेंड स्टोन को थ्रो किया। तो बच्चों जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, अपने हाथ से भी उसमें एक फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या मिलता है, जिससे इसे एक्स्ट्रा स्पीड मिलेगी। तो यही हमको पता करना है कि जिस फोर्स से हमने उसको थ्रो किया उससे उसको कितनी स्पीड मिली। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट स्टोन है उसने ग्राउंड को कितने टाइम के बाद हिट किया। तो इसके लिए इसमें हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जो बच्चों क्या है, यहाँ पे हमारी ज़ीरो है, क्योंकि जो स्टोन है उसको हमने ड्रॉप किया है उस पर हमने हाथों से कोई भी फोर्स नहीं लगाया। तो वो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी फोर्स से वो नीचे आएगी और ग्राउंड को हिट करेगी। तो इसलिए हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। और बच्चों यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या दिया है, हाइट में दिया है। तो यहाँ पर हम एस की जगह क्या लिख देते हैं, एच, और हमारी हाइट दी है हमको 490 मीटर। तो ये हो जाएगी 490 मीटर। और फिर बच्चों जो हमारा यहाँ एक्सीलरेशन है उसकी जगह क्या लगेगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि उसी फोर्स से हमारा जो स्टोन है वो नीचे आएगा।
तो बच्चों हमें पता है कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता करना है टाइम कि कितने समय के बाद उसने ग्राउंड को हिट किया। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम फॉलो करेंगे अपना सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों एस की जगह क्या लेंगे हम अपनी हाइट जो कि है 490 मीटर, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 490 और ये बराबर होगा u, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और इसको इनटू कर देंगे हम टाइम से जो हमको पता करना है और प्लस कर देंगे 1/2। और एक ही जगह हम क्या लिखेंगे अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कितनी है, 9.8, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ 9.8 और इसको इनटू कर देंगे टाइम के स्क्वायर से जो हमें पता करनी है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 490 और ये बच्चों बराबर होगा 0 को जब t से इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और इसको इनटू कर देंगे 9.8 और ये हो जाएगा इनटू टी स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या करेंगे हम, जो 1/2 है इससे 9.8 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 490। और बच्चों जब हम क्या है ये जो 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4.9 और 4.9 को हम इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड में कर लेते हैं अपना 4.9 जो बराबर हो जाएगा हमारे टी स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 100। तो ये 100 किसकी वैल्यू आई है बच्चों, टी स्क्वायर की, लेकिन हमको पता करना है टी, तो टी पता करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका हम कर देंगे अंडर रूट। तो बच्चों हमें पता है कि 100 जो है वो कितना, किसका स्क्वायर है, वो है 10 का स्क्वायर, तो जो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है बच्चों, तो ये पता चल गई कि जो हमारा जो फर्स्ट स्टोन है वो 10 सेकेंड के बाद ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो हम जो अपना सेकेंड स्टोन है उसको 1 सेकेंड के बाद क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कितना है फर्स्ट 10 सेकेंड, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 1 सेकेंड, तो बचेगा कितना हमारे पास, 9 सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड स्टोन जो है वो ग्राउंड को कितने देर में हिट करेगा, 9 सेकेंड में। तो अब हम पता कर लेते हैं कि हमारी स्पीड कितनी होगी सेकेंड स्टोन के लिए। तो बच्चों अब क्या करते हैं, हम अपनी स्पीड निकाल लेते हैं कि हमने सेकेंड स्टोन को कितने स्पीड से थ्रो किया, तो उसके लिए भी हम अपना सेकेंड इक्वेशन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एस की जगह क्या आ जाएगी, हमारी हाइट जो कितनी है 490 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 490 और ये बराबर हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे हमें पता करनी है कि किस वेलोसिटी से हमने अपने स्टोन को थ्रो किया और इसका इनटू कर देंगे हम टी जो हमारा कितना आया था 10 आया था जिसमें से हमने 1 सेकेंड को माइनस कर दिया तो ये कितना बचा हमारा 9। ठीक है बच्चों, और इसमें प्लस हो जाएगा 1/2 और इसमें इनटू कर देंगे हम एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कितना हो जाएगा 9.8। ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका कर देंगे हम टाइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
तो टाइम आया है बच्चों 9 सेकेंड हमारा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 81। ओके, तो ये जो 2 है बच्चों इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 9.8, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4.9। तो यहाँ पे बच्चों आगे हम कर लेते अपना, ये हो गया 490 जो बराबर है हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9U। और इसमें प्लस कर देंगे हम 4.9 को बच्चों, जब हम 81 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 396। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा इतना। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये जो प्लस है हमारा 396.9, इसको हम इधर जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 490 माइनस 396.9, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे 9U के। तो बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 93.1। ठीक है बच्चों, और ये जो बच्चों हमारा 9 है इसको हम इधर भेज देंगे तो वहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो जब बच्चों हम 93.1 को 9 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10.34 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई बच्चों, हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कितनी है 10.34 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना हमने इस पे स्पीड से हमने अपने स्टोन को थ्रो किया था जो हमारा सेकेंड वाला स्टोन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक जो व्हीकल है वो एक्सीलरेट कर रही है एक स्ट्रेट रोड पे, और उसकी जो वेलोसिटी है एक इंस्टेंट जो है वो है 30 किलोमीटर पर आर, और आफ्टर 2 सेकेंड ये हो जाती है 33.6 किलोमीटर पर आर, और उसके भी 2 सेकेंड बाद हो जाती है 37.2 किलोमीटर पर आर, और हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और पता करना है कि जो एक्सेलरेशन लगा है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा किलोमीटर पर आर है उसको हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो बच्चों हमें पता है कि एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड वो कितना है 30 किलोमीटर पर आर, तो इसको क्या करेंगे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम 5/18 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया 5/18 से, और इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/3 जो हमारा क्या है मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और जो फाइनल है वो कितना है, फाइनल है बच्चों ये 33.6, इसको भी हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी बच्चों जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 28.3। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 28/3, तो ये आ गई हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो पहला हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, तो ये बच्चों हो जाएगा 28/3, इसमें से माइनस कर देंगे हम 25/3 जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो बच्चों हमारा टाइम कितना है 2 सेकेंड का, तो इसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे।
तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3, और बच्चों इसको 28 से हम माइनस कर देंगे 25 को, तो बचेगा 3, और ये बच्चों हो जाएगा यहाँ नीचे डिवाइड में 2। तो इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एक्सीलरेशन, जो हो जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अपना हम सेकेंड एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो जो हमारा सेकेंड में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यही हो जाएगी 28/3, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 37.2। तो इसको भी बच्चों हम जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो ये बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31/3। ठीक है, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो फिर ये क्या आ जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी, और ये जो है ये हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी 31/3, और इसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, जो कितना है, जो है 28/3, और इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो इसमें भी हमारा टाइम कितना है, 2 सेकेंड का। तो इसका भी एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, 3, और इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी बच्चों जो एक्सेलरेशन लगा वो भी 1/2 यानी 0.5 से लगा, और यहाँ पे भी 1/2 यानी 0.5 से लगा। तो दोनों में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जो इसकी वैल्यू है वो है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अभी हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।